उसके बाद जितने भी ये लाइन वाले ढाबे हैं, असली पूरन सिंह, न्यू पूरन सिंह, पंजाबी पूरन सिंह और वैष्णो पूरन सिंह, ये 6-7 ढाबे अम्बाला में है। सब लोग अपने आप को प्रूफ करते हैं जी, हम किसी को कोई प्रूफ नहीं करते हैं, प्रूफ हमारी क्वालिटी करेगी। वैसे है तो पीछे भी है जो बोलते हो उधर है भी पूरन सिंह का, लेकिन मट भी यहाँ का बढ़िया है। कढ़ाई पनीर भी स्वाद है, इन दोनों का ना टेस्ट थोड़ा ऐसा लगे जैसे घर का टेस्ट हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ अम्बाला कैंट में, जा रहे हैं पूरन सिंह के ढाबे पे। पूरन सिंह के ढाबे का आपको पता ही होगा कि अम्बाला में बड़ा बड़ा फेमस है, तो आज हम वाकई वहाँ के जायकों का नज़ारा लेने वाले हैं, स्वाद चखने वाले हैं। तो आपको भी ये शायद वीडियो बड़ी पसंद आएगी। तो इससे पहले अगर आपको नहीं पता कि पूरन सिंह का ढाबा कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो हाईवे है ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, और इस हाईवे से आप देखिए ये हाईवे एक अम्बाला कैंट की तरफ यहाँ से मुड़ जाता है और एक सीधा करनाल दिल्ली के लिए चला जाता है। तो हमने अम्बाला कैंट वाला ये वाला टर्न लेना पड़ेगा। तो जैसे ही ये टर्न लेंगे तो रेलवे स्टेशन के सामने आपको पूरन सिंह का ढाबा मिल जाएगा, लेकिन पूरन सिंह के ढाबे भी वहाँ पे काफ़ी हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि ओरिजिनल पूरन सिंह का ढाबा कहाँ पर है। और हम जो आज जो हैं वो ओरिजिनल पूरन सिंह के ढाबे पर ही जाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तो चलिए चलते हैं पूरन सिंह के ढाबे पे। तो इस पुल के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो आपने जैसे आप अगर चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आपने सीधा जो है पुल नहीं चढ़ना है, आपने पुल से जैसे पुल के बिल्कुल पास में ही कट है, वहाँ से कट ले लेना है। जैसे ही आप कट लोगे तो रेलवे स्टेशन की तरफ ये बस स्टैंड की तरफ ये वाला रास्ता जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया, ये वाला कट हमने अगर हम सीधा चले जाएंगे तो सीधा ये अम्बाला कैंट को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन हमने अम्बाला कैंट को क्रॉस नहीं करना, हमने नीचे रेलवे स्टेशन की तरफ बस स्टैंड की तरफ आना है। इस लाइन में आपको होटल्स काफ़ी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि सामने रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है, और ये जो मार्केट है यहाँ की ये सारी रात ओपन रहती है। देखिए यहाँ पे आप देखने को देखेंगे तो पूरन सिंह का पुराना मशहूर ढाबा, पूरन सिंह का पुराना पंजाबी ढाबा वगैरह जितने हैं सारे आपको मिलेंगे, लेकिन अभी जो हम जाने वाले हैं ओरिजिनल उसी के पास जाने वाले हैं, क्योंकि ढाबा यही है जी, यहाँ पर हमने आना है। और तो ये आ चुका है जी पूरन सिंह का ढाबा, पूरन सिंह का मशहूर विशाल ढाबा। तो कंफ्यूजन काफ़ी रहती होगी लोगों को यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही हम अम्बाला कैंट में आते हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में आते हैं तो आपको काफ़ी पूरन सिंह के ढाबे मिल जाएंगे जिन्होंने लिखा हुआ है पूरन सिंह का पुराना ढाबा, पूरन सिंह का दूसरा ढाबा, नया ढाबा। तो काफ़ी ऐसे आपको यू नो कन्फ्यूज़ करने वाले ढाबे मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पे अभी मैं आया हूँ ये मेन ढाबा है पूरन सिंह जी का, और यहीं इसी ढाबे पे हम लोग ट्राई करेंगे खाना। आपने यहाँ पूरन सिंह के ढाबे का नॉनवेज खाना बड़ा देखा होगा, लेकिन आज जो है मैं आपको इस वीडियो में यहाँ का वेज मशहूर खाना, जो वेज खाने के इच्छुक बंदे रहते हैं, जो वेज खाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेज खाना क्या क्या आइटम्स मिलती हैं वो चीज़ें आज हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। और हम सिर्फ वही ट्राई करेंगे जो यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं, तो सिर्फ मशहूर वेज खाना ही हम यहाँ पे आज खाएंगे। तो चलिए चलते हैं और पूरन सिंह के ढाबे का थोड़ा आपको मैं रिव्यू भी दिखाऊंगा और खाना हम क्या क्या खाएंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यही है कि अम्बाला में जैसे अम्बाला कैंट में क्रॉस करते हैं हम लोग, जी हाँ जी, तो लाइन वाइज ही पूरन सिंह का ढाबा, पूरन सिंह का ढाबा देखने को मिल जाता है। क्या है सर, ये हिंदुस्तान का गौरव समझ लीजिए या आप इनका बैड सीन समझ लीजिए कि लोग अपना नाम नहीं बढ़ाते हैं, दूसरे के नाम को खराब करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। असल में जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है कि सरदार पूरन सिंह जी पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने आके यहाँ रेड़ी लगाई थी, उन्होंने परमात्मा वाहिगुरु ने उनको बहुत अच्छी तरीके से नवाजा, उन्होंने जो फूड बनाया ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों ने उसको पसंद करा, उनका बहुत काम चला। 1970 में उन्होंने फिर यहाँ ये पुराना पुराने वाली जो स्पेस है हमारी, ये ढाबा उन्होंने 1970 में रन करा। ठीक है, 1970 में रन करने के बाद 94 में ये ब्रांड उन्होंने मुझे दे दिया, मैं उनका मटन का सप्लायर हुआ करता था
मेरा नाम विजेंद्र नागर है, मटन का कारोबार करता हूँ, चिकन और मटन का। 94 में ये ब्रांड उन्होंने मुझे दे दिया। उसकी वजह ये थी कि आने वाले टाइम में इस ब्रांड को चलाने के लिए उनको कोई ऐसा आदमी नहीं समझ में आ रहा था जो मटन की क्वालिटी और इस रेसिपी और इस काम को प्यार कर सके, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो दुनिया काम करती है। नाम के लिए या सरदार पूरन सिंह जी काम करते थे, या उन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसी खासियत देखी कि ये मेरे ब्रांड को जिंदा रखेंगे। और मटन की क्वालिटी का हम नेचुरली जानते हैं, मटन का हमारा अपना बिजनेस है। तो हम लोगों ने 94 में इसको टेक ओवर करा, आज हमें 30 साल हो गए हैं। 2001 में सरदार पूरन सिंह जी की डेथ होगी, उसके बाद जितने भी ये लाइन वाले ढाबे हैं, असली पूरन सिंह, न्यू पूरन सिंह, पंजाबी पूरन सिंह और वैष्णो पूरन सिंह, ये 6-7 ढाबे अम्बाला में हैं। सब लोग अपने आप को प्रूफ करते हैं जी, हम किसी को कोई प्रूफ नहीं करते हैं, प्रूफ हमारी क्वालिटी करेगी। जो आदमी एक दफा खाना खाएगा वो अपने आप बताएगा। जो पुराने लोग हैं सरदार जी के टाइम के 50-60%, वो लोग तो आंख बंद करके आते हैं। आज की जो नई जनरेशन है, एक्चुअली हुआ क्या है कि उनके मरने के बाद हर आदमी की ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इंटरनेट चल गया, तो हम लोग तो सिर्फ अपनी ईमानदारी और अपने ब्रांड के नाम के बेफिक्र होके बैठे हैं। और इन लोगों ने क्या करा, सोशल मीडिया में अपना प्रमोशन कर करके हमें गलत और अपने आप को सही साबित कर दिया। लेकिन सही तो सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। जो मटन की क्वालिटी है हमारे पास, जो मटन की क्वालिटी है हमारे खुद के गोट फार्म है, हम खुद अपने हाथ से बकरा झटका करते हैं, अपने हाथ से चिकन काटते हैं, अपने हाथ से पकाते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, हम जितना मर्जी सच बोले, कस्टमर एक दफा आके हमारी क्वालिटी चेक करेगा तब उसको सच्चाई का पता लगेगा। बाकी ये लोग क्या बेचते हैं, कभी इनको यही नहीं पता कि ये झटका बेचते हैं कि हलाल बेचते हैं। इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा मटन झटके का नहीं बिकता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े 5-7 स्टार में हलाल का मटन बिकता है। वहाँ कोई गारंटी नहीं है, वहाँ कोई भी ऐसा लिखा नहीं होता कि झटका है कि हलाल है। फूड है, फूड इज फूड। लेकिन हमारे पास गारंटी है 110% कि हम लोग झटका बेचते हैं, वो भी इसलिए कि हमारा खुद का झटके का काम है। मटन की क्वालिटी और चिकन की क्वालिटी हम लोग दिल से सेवा करते हैं, बाकी कस्टमर के ऊपर है। जब वो लोग आएंगे टेस्ट करेंगे तो सच्चाई उनको खुद पता लगेगी। तो नॉन वेज में कौन कौन सी आइटम है जो सबसे ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं? हमारी तीन ही आइटम सिग्नेचर है जी, जो शुरू से बड़े सरदार जी ने फेमस करी है। मटन करी होममेड, चिकन करी होममेड, कीमा कलेजी होममेड, बाकी हम लोग बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चिल्ली चिकन, काफी आइटमें बनाते हैं। लेकिन जो सिग्नेचर आइटम है हमारी सिर्फ तीन है। तो वेज में क्या सिग्नेचर आइटम है जो वेज के लोग वेज के अंदर हमारी यदि एक दाल मखनी है और कढ़ाई पनीर। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ बेसिकली वेज ट्राई करने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि दाल मखनी और कढ़ाई पनीर यहाँ पे मेन है। जी हाँ जी। तो आज हम वेज वही ट्राई करेंगे जो बताया अंकल जी ने, उसका टेस्ट आपको भी बताएंगे। तो ये हो रहा है जी अपना यहाँ पे कढ़ाई पनीर रेडी। तो अब बोरिया जी अपनी दाल मखनी रेडी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टेबल पे और वहीं पे अपने को सर्व करेंगे और वहीं पे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये आ चुका है जी अपना कढ़ाई पनीर, और ये अपनी आ चुकी है जी दाल मखनी। तो चलिए जी करते हैं ट्राई। पहले हम करेंगे दाल मखनी ट्राई। ये हरी चटनी और अपना प्याज आ चुका है। अगर मैं दाल मखनी की बात करूँ ना, टेस्ट बड़ा सही टेस्ट आ रहा है। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं कढ़ाई पनीर।
कढ़ाई पनीर भी स्वाद है। इन दोनों का ना टेस्ट थोड़ा ऐसा लगे जैसे घर का टेस्ट हो, और ना ज़्यादा मसाले, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा यू नो होटल में हम कहीं बाहर खा रहे हैं। टेस्ट में बड़ा नेचुरल सा टेस्ट आ रहा है, बड़ा ऑथेंटिक सा टेस्ट आ रहा है सारे दोनों चीज़ों का। तो चलिए इसको करते हैं फिनिश और मिलते हैं फिर आपको खाना ख़त्म करने के बाद। बढ़िया भैया, टेस्टी है खाना यहाँ पे, टेस्टी लगता है तभी आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। तो आपके सबसे फेवरेट क्या है यहाँ पे, क्या खाना पसंद है? बस ये मटन है भैया, मटन ही खाने के लिए आया। पिंजौर से आया। कहाँ से? पिंजौर से। पिंजौर से आया स्पेशल मटन खाने आए हैं। स्पेशल मटन खाने आए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? तो बहुत काफी टाइम से आ रहे हैं। वैसे है तो पीछे भी है जो बोलते हो उधर है भी पूर्व सिंह का, लेकिन मटन यहाँ का बढ़िया है। आज पहली बार आया। पहली बार आया। मैं बहादुरगढ़ से आया था, केरला का हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पे खाके? अच्छा। तो ये थी जी वीडियो पूरन सिंह के ढाबे की, जो असली पूरन सिंह का ढाबा है, और यहाँ के खाने का टेस्ट मैं आपको क्या बताऊँ, नज़ारा आ गया। और नज़ारा इतना आया कि मैंने घर के लिए भी अपना लिए पैक करवा लिया है। तो अगर आप भी दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हो या चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो, तो रास्ते में अंबाला कैंट में रुककर पूरन सिंह के मशहूर विशाल ढाबे पे एक बार जरूर रुकना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।